आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की। दोस्तों, आज का समय चुनाव का समय है, क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और साथ ही साथ चुनाव होने हैं देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाले राज्य और सबसे बड़े लोकतंत्र वाला राज्य। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि कहते हैं कि केंद्र सरकार की जो चाबी है, केंद्र सरकार की जो सत्ता है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। और बात बिल्कुल सच है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी हैं और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी हैं। पर इन चुनावों के बीच कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि जो पार्टियों में दल बदलने की परंपरा, जो पुरानी परंपरा है नेताओं में, वो भी लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी विचारणीय करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये परंपरा अब सिर मुखर हो रही है, इस समय बिल्कुल अपने उच्चतम स्तर पर है, कि जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल सर पर है, और अब जो पार्टी के अलग अलग पार्टी के नेता हैं वो अपनी ही पार्टी की बगावत करके, अपनी ही पार्टी के बारे में बुराई करके, अपनी पार्टी से असंतुष्ट होकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उस सामने वाली पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। यानी अब तक जिस पार्टी पर वो कटाक्ष करते आ रहे थे, अब तक जिस पार्टी की वो बुराई करते आ रहे थे, अब तक जिस पार्टी की वो नीतियों की हमेशा अच्छाई बताते चले आ रहे थे, नीतियों की तुलना करते चले आ रहे थे और उनके नेताओं को खराब बता रहे थे कि उनसे बड़ा खराब नेता कोई दूसरा नहीं, अब वही पार्टी, वही नीति, वही नेता उनके लिए अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मामला सत्ता के सुख का है, यहाँ सत्ता की कुंजी का है, यहाँ पर सत्ता के पद का है। तो यहाँ पर बात रही राजनीति के दल बदलने की परंपरा की, पर अब यहाँ पर एक परंपरा और भी जीवंत है, वो है हमारे देश में जातिवाद की परंपरा। यानी हमारे देश में चुनाव तो होते हैं, पर चुनाव के समीकरण बहुत अलग होते हैं। हमारे देश में अलग पार्टियां हैं, अपना अपना अलग एजेंडा है, अपनी बातें हैं, और कहीं ना कहीं उन बातों के बीच भी समीकरण होते हैं, वो होते हैं जातीय। यानी कहां पर किस जाति का वोट ज़्यादा है, हमको उसी हिसाब से कैंडिडेट प्रत्याशी वहाँ चुनना है, वहाँ पर अपना उतारना है, जिससे कि हम उस जाति विशेष का वोट पा सकें और अपनी कुर्सी को मजबूत कर सके, अपने समर्थन को बढ़ा सके और सत्ता की कुर्सी पर पहुंच सके। पर यहाँ पर अगर जाति समीकरण ही महत्वपूर्ण रहे तो फिर जनता के मुद्दों का क्या? जनता के मुद्दे आज भी उन्हीं जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर पहले थे। यानी अब तो मैं उन मुद्दों को अमर ही मानूंगा, क्योंकि आज भी कई मुद्दे ऐसे हैं जब पर कोई काम नहीं किया गया है। और हमेशा चुनाव होता है, बातें होती है, एजेंडा होता है, वादे होते हैं, पर चुनाव होता है उसी जाति समीकरण पर। देखें मेरी एक रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीति के बड़े बड़े नामों के मुताबिक ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होंगे, पर यहाँ बात मुद्दे की नहीं बल्कि समीकरण की है। ये चुनाव किस समीकरण के आधार पर लड़े जाएंगे, अब इन चुनावों के बिगुल के बीच बात कर लें। देश की सबसे बड़े आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनावों की, जहां चुनाव के वादे तो बहुत सारे होते हैं, पर सब जानते हैं यह चुनाव वादों पर नहीं बल्कि समीकरणों पर लड़ा जाता है। यानी कि वादों पर समीकरण भारी हो जाते हैं, पर होना भी चाहिए। वादे तो केवल दिलासा देने और मन को लुभाने के लिए ही किए जाते हैं। कितने वादों पर कितना काम होता है ये सब जानते हैं, पर देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण सब समीकरणों पर भारी है। यह प्रत्याशियों का चुनाव
संबंधित विधानसभा के वोट प्रतिशत के मुताबिक ही तय होता है। इसमें किस प्रत्याशी का अच्छा होना, ईमानदार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी जनता जनार्दन चरित्र कम, उपनाम और धर्म देकर ज्यादा वोट करती है। जो जनता जागरूक है वो मजबूरी में नोटा का उपयोग कर लेती है, और वो करे भी तो क्या करे। सब प्रत्याशी तो ज्यादातर वोट प्रतिशत के हिसाब से तय होते हैं, ना कि अच्छे चरित्र के पैमाने पर। आज के समय हमारे देश में दल बदलने की परंपरा खूब जोर पकड़ रही है। राजनीतिक दल भी ऐसी नेताओं को अपने पाले में करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं जो ज्यादा वोट प्रतिशत से जुड़ा होता है, यानी उस वर्ग से आता है जिसका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पर इस बीच जनता के मुद्दों का क्या, जनता की समस्याओं का क्या, क्या गारंटी है जो नेता चुनाव के समय अपनी पार्टी में कमी बताकर, अपने लोगों के उपेक्षा की बात कहकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। चुनाव बाद अपने वर्ग का भला करेंगे, या फिर 5 साल बाद फिर उसी पार्टी की कमी बताकर किसी तीसरी पार्टी का हाथ पकड़ लेंगे। अब जनता को इन नेताओं के चेहरे को पढ़ना है, जिनको हर पार्टी चुनाव के बाद कार्यालय खत्म होने पर खराब लगती है, और जहां जाते हैं वो पार्टी विश्व की सबसे महान पार्टी बन जाती है। अब जनता को ही निर्णय करना है कि उनको अपना विधायक ऐसा बनाना है जिसका वोट ज्यादा हो, या जिसका काम और चरित्र बेहतर होता है। अगर जनता जनार्दन अपने वर्ग या वोट के हिसाब से वोट करेगी तो ये भी तय मान लें कि उनकी समस्याएं अमर ही बनी रहेंगी। इसलिए इस बार जातिगत नहीं, चरित्र के मुताबिक नेता चुनना होगा, तभी जनता सही मायने में जनता जनार्दन कहलाएगी, पूरा हो सकेगा एक उन्नत देश का सपना साकार। तो जनता जनार्दन होती है और होती ही है, पर जनता जब अपना वोट वर्ग के हिसाब से, अपने समुदाय के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से देती है तो उसकी समस्याएं जीवंत ही बनी रहेंगी, क्योंकि आपने अपने वर्ग के देखकर वोट दिया है, और जब वर्ग को देखकर वोट होता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो नेता खड़ा हुआ है, जिसको आपने जिताया है, हो सकता है उसका चरित्र या उसकी ईमानदारी या उसका कार्य अनुभव या उसका ज्ञान ऐसा ना हो जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। अमूनन देश में जो जाति वर्ग है, अलग अलग वर्ग है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जनरल है, मुस्लिम वर्ग है, अल्पसंख्यक है, तमाम हमारे देश में जो है संविधान के हिसाब से वर्ग बनाए गए हैं, और उनका वोट प्रतिशत भी है। ओबीसी का अच्छा वोट प्रतिशत है, अगर हम एससी एसटी का करें अच्छा वोट प्रतिशत है। अगर एक उत्तर प्रदेश के वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग लगभग 20-22% उत्तर प्रदेश में जो जनरल कैटेगरी के वोट हैं, जिसमें आपका ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, कायस्थ हो गया, वैश्य हो गया, भूमिहार हो गया, ये आपका फॉरवर्ड कास्ट में हो गया। इसके बाद जो ओबीसी होता है उसका वोट लगभग लगभग आपका 40-42% ओबीसी वोट है, जो अदर बैकवर्ड कास्ट। इसके बाद जो दलित वर्ग है वो भी लगभग 18-20% के लगभग लगभग, जो एस टी एस टी जो वोट हैं वो भी है। इसके बाद जो आता है वो आता है अल्पसंख्यक समुदाय, यानी मुस्लिम समुदाय या अन्य समुदाय, उनका वोट भी लगभग 18-20% है। तो जब टिकट होते हैं तो सबसे पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक बार स्पष्ट करती हैं कि यहाँ पर जिस जिले, जिस विधानसभा में हम लोग प्रत्याशी फाइनल करना है, वो प्रत्याशी
का वोट प्रतिशत कितना है। यहाँ पर अगर जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम वोट प्रतिशत ज़्यादा है तो वहाँ पर मुस्लिम वोट प्रतिशत ही उतारा जाएगा, और अगर मुस्लिम और अन्य पार्टियाँ या अन्य वोट ओबीसी बराबर है तो यहाँ पर थोड़ा घमासान होता है, केवल मानसिक घमासान होगा कि किसको दिया जाए, क्या मुस्लिम को दिया जाए या ओबीसी को दिया जाए। पर यहाँ पर मामला केवल तय होगा वोट प्रतिशत के आधार पर, क्योंकि पहुँचना तो सत्ता की कुर्सी पर है, सत्ता को आधार बनाना है, और अगर सत्ता की कुर्सी पर नहीं पहुँचेंगे तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पर जो जाति के समीकरण पर तय ही प्रत्याशी तय होते हैं, चुनाव यानी जातिवाद पर हो गया, जिसका वोट ज़्यादा होगा उसी के प्रत्याशी होंगे, ये भी कन्फर्म है कोई भी पार्टी हो। और विकास के ऊपर पूरी तरह से जातिवाद भर रही है, क्योंकि भाई 42%, 18%, 20% यही देख रहा है, और हमेशा की तरह 2022 के चुनाव में भी जो जातिगत समीकरण है वो हावी हो चुके हैं, और जनता के मुद्दों से इनका सरोकार दूर दूर तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रत्याशी का जो आदर्श चरित्र होना वो भी जरूरी नहीं है कि प्रत्याशी आपका आदर्श चरित्र वाला हो, कोई जरूरी नहीं है, बस चुनाव जीतना ही इनका उद्देश्य है कि हमको अपनी पार्टी का चुनाव जितवाना है, प्रत्याशी कोई भी हो, उसके मुकदमे कितने हो, उसका चरित्र अच्छा हो ना हो, उसकी ईमानदारी हो ना हो, उससे कोई लेना नहीं, पढ़ा लिखा हो ना हो। यानी जिस देश में हम छोटे छोटे पद के लिए भी इंटरमीडिएट मांगते हैं, स्नातक मांगते हैं, परास्नातक मांगते हैं, हाई स्कूल मांगते हैं, उसी देश में, उसी लोकतंत्र में, उसी संविधान के हिसाब से हम नेताओं के लिए कोई पढ़ाई शैक्षिक योग्यता क्यों नहीं मांगते। सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह है, हम नेताओं को शैक्षिक क्यों नहीं मांगते। विभाग रहते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय रहते हैं, हमने अमूनन देखा है कि उस मंत्रालय का कोई भी नेता होता है या होता है उसकी अमूनन कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ होते हैं तो उनकी डिग्री ही फर्जी होती है, फर्जी डिग्री बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जहाँ हम छोटी छोटी सी नौकरी के लिए, यानी चपरासी तक की नौकरी के लिए, जो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी होती है उसके लिए भी बोलते हैं कि हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, और अब तो विडम्बना यह है देश में कि अगर बड़ी बड़ी छोटी नौकरी के लिए भी पीएचडी, एमटेक, बीटेक, पीएससी और स्नातक परास्नातक लोग उम्मीदवारी करते हैं, अभ्यर्थी बन जाते हैं, परीक्षा देते हैं, क्यों? हमारे देश में रोजगार बचा ही नहीं है, स्वरोजगार की व्यवस्था होती नहीं है, और जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें इतना कंपटीशन है जिसकी कोई हद नहीं, और जो और बड़ी नौकरी है उनमें आरक्षण इस तरह से दीमक लगा के बैठा हुआ है, दीमक की तरह है, उसमें भी कोटे तय होते हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कैसे व्यवस्था होनी है, और उसमें भी नई परंपरा आ गई है, पहले परीक्षा होती है, पहले प्रारंभिक होती है, फिर मुख्य होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर कोर्ट जाता है अभ्यर्थी, कोर्ट में कोर्ट जब आदेश देता है तब भर्ती होती है, और वो भी अपने हिसाब से होती है कि चुनाव के समय करनी है कि नहीं करनी है, कि अगली बार बढ़ानी है, ये अपने बाकी आंकड़े तो गवर्नमेंट जो है वो सरकार पेश करती रहती है, आंकड़े क्या, आंकड़ों क्या, उस पर तो हम कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़ों में बात करेंगे तो अमूनन अधिकांश आंकड़ों में कहीं ना कहीं फेरबदल आपको दिखेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि आंकड़े ही सही होते हैं, आंकड़े सही नहीं होते हैं, क्योंकि आंकड़े के सोर्स अलग होते हैं, उनके जो स्रोत है वो अलग होते हैं, और जमीनी स्तर पर क्या हुआ है, कितनों को नौकरी मिली है, कितने स्वरोजगार से संबंधित है, कितने ओडीओपी चल रहे हैं, कितनी योजनाएं चल रही है, कितनी एमएसएमई चल रही है, इसमें सबको पता है, देश के सभी राज्यों में लगभग स्थिति एक जैसी मिलेगी आपको। और जो नई गवर्नमेंट आती है तो नई वाली जो पुरानी गवर्नमेंट उस पर एक बताती है कि उन्होंने घोटाले किए हैं, वो तो खैर एक पुरानी परंपरा है, उस परंपरा पर हम नहीं जाएंगे, पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे देश में जाति पर देख के चुनाव होता है, वर्ग को देख के चुनाव होता है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसी का आज हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। आज की जो जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि आज हम ऐसा करेंगे, हम बेहतर सड़कें बनाएंगे, बेहतर व्यवस्था करेंगे, कानून व्यवस्था पे ऐसा होगा, सुरक्षा व्यवस्था पे ऐसा होगा, राशन व्यवस्था पे ऐसा होगा, और बिजली व्यवस्था पे ऐसा होगा, सिंचाई के लिए ऐसा होगा, जल व्यवस्था पे ऐसा होगा, तमाम वादे ऐसे होते हैं, होते रहते हैं, पर जब हम उनके धरातल पर होने की बात करते हैं कहीं ना कहीं हमारे मन में टीच बनी रहती है, क्योंकि धरातल पर हम देखते हैं तो वो बारों में कहीं ना कहीं कमी आती है, पूरे हो ही नहीं पाते। हो क्यों नहीं पाते? क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हम ही के द्वारा होती है कि जब हम जातिवाद को देख के वोट करते हैं, हम आदमी क्यों नहीं देखते, हम प्रत्याशी क्यों नहीं देखते, हम प्रत्याशी की अच्छाई क्यों नहीं देखते, हम ईमानदारी क्यों नहीं देखते, हम उसके अच्छे चरित्र क्यों नहीं देखते, हम देखते हैं तो केवल केवल कि वो हमारी जाति का है कि नहीं है, वो हमारे वर्ग के लिए अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, या मेरा अगर परिचित है मेरा कोई लाभ भी कराएगा, बिल्कुल सही बात है, हमारी जनता यही देखती है,
और इससे मिलता क्या है, आखिरी में नाउम्मीदी। इतने प्रत्याशी आए, इतने लोग आए, इतने मंत्री बने, पर ये बताइए जो वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करते हैं, वर्ग विशेष के नेता माने जाते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, आपने अपने वर्ग के लिए क्या किया? आपने कार्यकाल किया, आपने 5 साल सत्ता में सुख भोगा, उसके बाद जब चुनाव आ गए तो आपने कहा मेरे वर्ग की अनदेखी हुई। आपने अपने वर्ग के लिए आपने उस समय क्या किया? आपने अपने वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। आपको उस समय आवाज मुखर क्यों नहीं हुई? आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको उस समय जनता की अनदेखी नजर क्यों नहीं आई? नहीं आई क्योंकि आपको पता है कि जनता आपका वर्ग है, जनता आपकी है, आप जनता विशेष वर्ग के नेता हैं और जहां आप जाएंगे वही जनता आपके साथ जाएगी और जनता आपको ही वोट करेगी। तो सबसे जो अहम बात यहां पर यह है कि जो भी आज विकास पर जातिवाद भारी है उसका सब कहीं सीधा से सरोकार आम जनता से भी है। जनता क्यों नहीं समझना चाहती है कि अगर हम प्रत्याशी को जिताने में उसकी पार्टी को देखेंगे, उसके वर्ग को देखेंगे, उसके ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसका सीधा सरोकार उससे नहीं है तो उसको क्यों हम जिताएंगे? हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम सच्चरित्र वाले प्रत्याशी को जिताएं? हम क्यों नहीं सोचते हैं ईमानदार और एक अनुभवी प्रत्याशी जिताएं जो कि शैक्षिक रूप से पूर्णतः अर्हता प्राप्त हो, जिसको पता हो कि शिक्षा क्या होती है, जिसको पता हो अनुभव क्या होता है, जिसको पता हो विभाग क्या होता है, जिसको पता हो विधायकी क्या होता है, जिसको पता है विकास कैसे होता है और जो एक प्रकार से हर काम की आपके क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में आपके जिले में हर काम की समीक्षा कर सके, हर अधिकारी से उस काम को करवा सके, तभी तो विकास होगा, तभी तो स्वस्थ भारत का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। क्यों स्थिति होती है कि हमेशा हमारे देश में बीमारियां आती रहती हैं? कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमेशा, आज कोरोना चल रहा है, कोरोना की दूसरी तीसरी लहर चल रही है, पर इसके अलावा भी तमाम संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो लगातार फैलते रहते हैं। हमेशा बरसात होती है, हमेशा गर्मी आती है, हमेशा जो मच्छर पनपते हैं और हमेशा बीमारी फैलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसके खत्म करने के लिए प्रत्याशी का चुनाव करना होता है, समाज के नेता का गठन करना होता है, सत्ता गठन करना होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जाति विशेष को आगे बढ़ाते हैं और जब जाति विशेष को आगे बढ़ाते हैं तो हमको मिलती है केवल नाउम्मीदी, वो नाउम्मीदी जिससे आज भी हम त्रस्त हैं। आज भी हमारे जो नेता होते हैं वे केवल सत्ता का सुख भोगते हैं। कितने नेताओं ने आपके लिए काम किया, कौन सी योजना बनाई और कौन से आपकी बातों को आम जनता तक पहुंचाया या सरकार तक पहुंचाया? क्या आपका दायित्व, आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप नेताओं से पूछें कि आपको पिछले 5 साल में हमारी याद क्यों नहीं आई? पिछले साल 5 साल में आपने हमारी अनदेखी क्यों की? पिछले साल 5 साल में आपने हमारी समस्याओं क्यों नहीं देखा? हमेशा आप एक चीज़ देखते थे, वो देखते थे अपना लाभ, कि हमको लाभ कैसे हो, हमको फायदा कैसे हो, हम व्यवस्थित कैसे हों, हम सत्ता की कुर्सी तक कैसे पहुँचे, हम कैसे मैनेजर पद पर बैठे, हम कैसे अपने रिश्तेदारी को आगे बढ़ाएं और अपने रिश्तेदारी को मजबूत करें और अपने लोगों को जो हमारे खास हैं, जो हमारे रिश्तेदारी में हैं, हमारे बेटे, हमारी बहू, हमारे दामाद, हमारी बेटी, इनको ही केवल सत्ता पर बैठा रहे, बाकी जनता गई भाड़ में। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना सिर्फ ये है कि हमको अपने आप को दिखाना है कि हम इस वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं और ये बस वर्ग की जनता हमको चाहती है और इस वर्ग की जनता हमारे साथ है और हम जहां जाएंगे वहीं सरकार बनाएंगे। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि जो जनता है वो जनता सबकी है? हम क्यों ये मानते नहीं है कि अगर जनता के हम नेता हैं तो उस वर्ग की जनता का भला करना भी हमारा एक सामाजिक दायित्व है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, पर उन कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं क्योंकि जब सत्ता की बात आती है तो सारे कर्तव्य हम उसी पार्टी को तारीफ करने लगते हैं जिस पार्टी की हम कभी बुराई करते थे, जिस पार्टी के नेताओं पर कभी हम कटाक्ष करते थे, आज हम उसी पार्टी के नेताओं को हम महान बताते हैं। कल जिस पार्टी के नेताओं की नीतियों की हम बुराई करते थे, आज उसी पार्टी की नीतियों की हम सराहना करते हैं। कल जिस पार्टी के आधार की हम तुलना करते थे, उसी पार्टी के आधार की हम तारीफ करते हैं क्योंकि सत्ता ही प्रमुख है, सत्ता ही जीतना है, सत्ता जीतना तो ही उद्देश्य है। तो यहाँ पर आम जनता है,
उसका भी एक दायित्व है कि आपको आने वाले चुनाव में अपना वोट प्रतिशत देखना है। हमको दिखाना है कि जनता जनार्दन होती है, हमको दिखाना है कि आम जनता ही सब कुछ है। क्योंकि आम जनता अगर अपने वोट को जातिवाद के हिसाब से तय करेगी, अपने वोट को वर्ग विशेष के हिसाब से तय करेगी, अपने वोट को केवल और केवल अपने नेता को देख के तय करेगी, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक आपकी जरूरतों का पूरा करना कोई भाई काम नहीं होगा। क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा अधिकार है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वो है वोट। और अपने आप वोट को ऐसी जगह पर दे देते हैं जिसका सीरा लेना देना किसी से नहीं है। इसलिए प्रत्याशी चयन करिए, आप देखिए कि वो वर्ग जो नेता है वो अगर अच्छा है, वो किसी भी पार्टी से आता है, आप उसको जिताइए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की, स्वच्छ लोकतंत्र की आप गठन करिए। एक जनता जनार्दन बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं ना, जनता की आवाज़, जो जनता की आवाज़ होती है बहुत गुंजायमान होती है, और जब जनता फैसला देती है तभी वो फैसला सही होता है। पर जनता को भी अपनी बातों को समझना होगा, जनता को भी ऐसे चेहरों को पहचानना होगा जो समय समय पर पार्टी बदलते रहते हैं और जनता के जो हित हैं उनको भूल जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, जनता की कल्याण की भावनाओं को भूल जाते हैं, जनता का हित भूल जाते हैं, जनता को सेवा भूल जाते हैं, केवल याद रखते हैं सत्ता का सुख। ऐसी इसलिए अब जनता को ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह हमको आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम स्वच्छ प्रत्याशी का चयन नहीं करेंगे, हम सही प्रत्याशी का चयन नहीं करेंगे, हम ठीक आदमी का चयन नहीं करेंगे, हम शिक्षित आदमी का चयन नहीं करेंगे, तब तक हमारी भावनाओं से खिलवाड़ होती रहेगी और हमारी जो उम्मीद है लोकतंत्र से, हमारी जो उम्मीद है सरकार से, हमारी जो उम्मीद है अपने समाज के प्रतिनिधि से, वो केवल एक उम्मीद ही बन के रहेगी। उस उम्मीद में कभी भी एक सूरज नहीं खिलेगा, क्योंकि जब हम चयन करते हैं तो चयन करते हैं हम वर्ग पर, चयन करते हैं हम जाति पर, चयन करते हैं हम समुदाय पर। इसलिए अब समय आ गया है, चुनाव बहुत नज़दीक है, और मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के तमाम नेताओं से कहना चाहूँगा कि अब विकास की हम बात करते हैं, अगर हम वादों की बात करते हैं तो उन्हीं वादों पर चुनाव लड़िए, जातिगत समीकरण को पीछे रखिए। क्योंकि देश आपका है, जनता भी आपकी है, चाहे वो OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे फॉरवर्ड हो, और चाहे से अल्पसंख्यक समुदाय हो, कोई भी जाति का हो, वो जनता आपकी है। और जनता जनार्दन से मैं कहना चाहूँगा कि वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार का आप सबसे बड़ा फायदा उठाएं और सही प्रत्याशी चयन करें, वो किसी पार्टी का हो। अगर हर विधानसभा में एक सही उम्मीदवार जीतेगा तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ और स्वस्थ भारत का सपना है वो साकार हो सकेगा। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।